नमस्कार, मेरा नाम राजू है। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बनाते हैं, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को लाइक नहीं करिए, वीडियो को लाइक करिए। हाँ, चैनल पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दिए, ताकि इस तरह वीडियो में डालते आपको नोटिफिकेशन मिलते। चले बिना बकवास करते, बिना इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली कान मास्टर को ओपन करना है। ओपन करना यहाँ देखिए प्लस का जो आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर मेरे वाला कान मास्टर नहीं तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, तो उसका जो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ किस तरह से कान मास्टर को डाउनलोड किया था। उसका यहाँ से क्रिएट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ देखिए 9.16 रेशियो इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन लगा जाएगा, सेटिंग ऑप्शन आपको क्लिक करना है। क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ से एडिटिंग का ऑप्शन दिखा रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ देखिए फिल स्क्रीन का ऑप्शन दिखा रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके ऊपर देखिए फोटो डेकोरेशन का ऑप्शन दिखा रहेगा, जिसको क्या करना है आपको 0.3 कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम 0.3 करते हैं। 3 करके यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करना है, उसका चल जाना अपना इमेज में, जो भी इमेज होगा वहाँ से आपको इमेज लेना है। यहाँ से इमेज आपको 44 इमेज लेना है। ठीक है, तो यहाँ से 44 इमेज हम लेते हैं, तो यहाँ से 1-2 इस तरह से 44 इमेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट यहाँ से 44 इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट यहाँ से 44 इमेज को यहाँ 44 इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से देखिए 44 इमेज यहाँ से सेलेक्ट हो गया, हम गिने नहीं हैं, फिर आपको हम बता देंगे लास्ट में। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो एक्स्ट्रा होगा यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, नहीं तो फिर से यहाँ से ऐड कर लेंगे। 44 इमेज आपको ले लेना। ठीक है, वैसे यहाँ उसके बाद यहाँ देखिए एडियो का ऑप्शन दिखाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करना यहाँ से चल जाता है, चल जाना आपको एल्बम में। एल्बम जाने वाले यहाँ आपको चल जाना डाउनलोडिंग में, यहाँ से डाउनलोडिंग में जाते हैं। और आपको यहाँ से आपको यहाँ से एक साउंड ले लेना। ठीक है, साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो डीजे साउंड होगा आप वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ डीजे साउंड जो दिख रहा है यहाँ से आपको ठीक है, आपको यहाँ से आपको लेना। यहाँ देखिए प्लस का जो आइकन दिख रहा है, तो प्लस के आइकन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्लस का क्लिक करिए, क्लिक करिए आपका देखिए साउंड आपको नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐड हो जाएगा तो क्या करना, आपको यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो जैसे साउंड ऐड हो जाएगा तो क्या करना, आपको यहाँ से 10 इमेज यहाँ से आपको जो यहाँ बीट दिख रहा है, बीट के सामने से आपको 10 इमेज को आपको क्रॉप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बीट जो दिख रहा है, बीट के सामने से आपको 10 इमेज को आपको क्रॉप करना होगा। यहाँ से देखिए हम आपको क्रॉप करके दिखाते हैं आपको इस तरह से क्रॉप करना है। तो पहला इमेज हम क्रॉप करेंगे, इस जगह देखिए बीट दिखाया, इस बीट के सामने आएंगे और कैंची का आइकन दिखाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करिए, देखिए पहला इमेज यहाँ पर कट करने का ऑप्शन है, तो इसको क्या करेंगे इस तरह छोटा कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड इमेज क्लिक करेंगे और इस बीट के दूसरे का जो बीट के सामने आएंगे और कैंची का आइकन क्लिक करके टीम टू राइट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना। इस तरह से आपको 10 इमेज पर इस तरह से यहाँ से मतलब कट करना होगा। ठीक है, यहाँ से 10 इमेज को फटाफट कट कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताते हैं और क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ से फटाफट 10 इमेज को इसमें हम वीडियो को थोड़ा सा भी कट नहीं करेंगे, और दूसरा का जो राउंड होगा उसमें हम वीडियो को कट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से करना है। इस तरह से यहाँ से इसको हम 10 इमेज को यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, आपको 10 इमेज को यहाँ से कट कर लेना है, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, यहाँ से कट कर लिए और एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ है, इसको एक इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको 10 इमेज कट कर लेना। हम यहाँ से आपको गिन के दिखाते हैं, 10 इमेज है या 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 इमेज यहाँ से, देखिए 10 इमेज हो गया है। और जो एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे इमेज, इसको क्या करना है, इसको इस लेंथ को लेकर यहाँ तक आपको इस बीट के सामने तक बढ़ा देना है। ठीक है, देख सकते हैं इस जो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस बीट में देखिए उतना बड़ा बीट नहीं है, इसके सामने आपको इस इमेज को पूरा लास्ट तक यहाँ तक जो लास्ट बीट है इसके सामने आपको लेना। ठीक है, इसके सामने हम इसको ले आते हैं, और इसके सामने लाने में क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद फिर से आपको 10 इमेज में फिर से उसी पोजिशन पर आपको बीट लगाना। ठीक है, तो यहाँ से इससे हम इसको में बीट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो उसका फिर से यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से आपको देखिए इसमें जैसे बताया था पहला प्रोसेस में, इस सेम प्रोसेस आपको यहाँ से 10 इमेज में यहाँ से फिर से इसे 10 कर लेना है। और 10 इमेज पर करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको यहाँ देखिए एक इस जगह पर देखिए आपको एक बीट दिख रहा है, इसके सामने चलाना है और इस इमेज को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना। ठीक है, जैसे बताया था पहला इमेज के साथ करने के लिए, पहला जो उसके साथ करने के लिए उसी तरह से आपको यहाँ पर भी कर लेना है। करना फिर से इस इमेज को देखिए इस बीट के सामने आना है और यहाँ से आपको इसको कट करना है। इस तरह से आपको कट करना है, फिर सेकेंड बीट के सामने आना है और इसको भी यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, और इसको इस बीट को यहाँ इस तरह से यहाँ से हम कट कर लेंगे। जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करिएगा, आसानी से आप वीडियो को बना सकते हैं। उसका देखिए यहाँ से इसको हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट करेंगे, आपको भी इस तरह से कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से चलाइए लास्ट में, और यहाँ देखिए इस जगह बीट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके सामने आना है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट के यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है,
इसमें सारा बीट के सामने आपको कट करना, हम यहाँ मतलब वीडियो को लास्ट तक चलाएं क्योंकि आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, तो इसको इस बीट के सामने आना ठीक है। यहाँ पर चलाइए, इसको हम क्या करें फिर साइज को इस तरह से बढ़ा देंगे ठीक है, आपको इस तरह से बढ़ा देना है। अब बाकी इसके बीट में क्या कौन सा बीट लगेगा इसमें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ से तीसरा का बीट खत्म है उसका, देखिए इस तरह से इस जो बीट दिख रहा है इसके सामने भी इस तरह से आपको कट कर लेना ठीक है। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा, कट करने फिर से यहाँ से लास्ट इस जगह पर चलाइएगा और यहाँ से देखिए इस बीट को फिर इस तरह से यहाँ से बढ़ा देना ठीक है। इस तरह से बढ़ा दीजिएगा जो कि 11 सेकंड से लेके, देखिए यहाँ से 11 सेकंड से लेके आपको 12 सेकंड तक आपको चलाना है। बाकी जो इधर का जो 10 सेकंड का जो भी बीट होगा ठीक है, यहाँ से इधर से 10 सेकंड का जो भी होगा सेम प्रोसेस होगा पूरा में ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको इस तरह से कर लेना है। और चलिए फर्स्ट में आते हैं, उसको आपको बताते हैं इसमें कौन सा बीट लगेगा ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो बीट है इसमें सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने आपको देखें स्वीट लाइट का ऑप्शन देगा ठीक है। स्वीट लाइट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिए और ये जो कैन मास्टर के अंदर इस स्वीट लाइट का जो मतलब इफेक्ट ये आपको नहीं मिलेगा और इसको अलग से इसमें ऐड करना पड़ता है। तो कैसे ऐड किया है तो आपको नहीं पता है, इसके ऊपर हम वीडियो बना है तो उसका लिंक ऊपर यहाँ पर आई बटन में डाल देंगे, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं ठीक है। उसका क्या करना आपको देखिए जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन स्वीट लाइट का क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिए। इसी तरह से इसमें देखिए 10 इमेज में आपको इसी स्वीट लाइट का जो ऑप्शन पर क्लिक करके और सेकेंड वाला आपको इस तरह से क्लिक कर देना ठीक है। तो यहाँ से फटाफट इसको हम क्लिप ग्राफिक क्लिक करते हैं और स्वीट लाइट पर क्लिक करते हैं और 10 नंबर पर यहाँ से सेलेक्ट करना ठीक है। इस तरह से आपको 10 इमेज में आपको कर लेना ठीक है। 10 इमेज में करने बाद क्या करना आपको, और 10 इमेज में करना क्या करना आपको, इसको सबसे देखिए 10 इमेज जैसे हो जाएगा देखिए लास्ट में जो बड़ा इमेज है इसमें क्लिक करिए और यहाँ से क्लिप ग्राफिक में जाइए और यहाँ से आपको देखिए डीजे लाइट का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक अच्छा वाला जो देखिए इसको आप यहाँ से इस तरह से लगा लेना ठीक है। लगा लीजिएगा, कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है आपको डीजे लाइट को इस तरह से लगा देना ठीक है। उसके बाद फिर से आपको 10 इमेज में आपको स्विच लाइट में जाना है, यहाँ से फिर से आपको 10 इमेज जो बचेगा इसमें क्लिप ग्राफिक में जाना है और यहाँ से आपको स्विच लाइट में जाना है और सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। इस तरह से आपको फिर 10 इमेज में आपको कर लेना ठीक है। तो यहाँ से हम 10 इमेज में फटाफट कर लेते हैं, इस तरह से आपको 10 इमेज में कर लेना है और 10 इमेज में करने बाद क्या करना आपको फिर से आपको चलाना है इधर लास्ट में और यहाँ पर देखिए फिर एक इमेज बड़ा है इसमें भी आपको क्लिप ग्राफिक में जाना है और यहाँ से आपको डीजे कॉलमी डीजे में जाना है और यहाँ से आपको कोई भी एक इफेक्ट को कॉलमी डीजे वाला आपको लगा लेना ठीक है। इस तरह से लगा लीजिएगा, लगाने देंगे फिर से आपको देखिए आपको फिर से यहाँ से आपको जो इमेज बचा है इसमें क्लिप ग्राफिक में जाइए और स्वीट लाइट में जाइए और यहाँ से आपको 2 नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस तरह से फिर आपको 10 इमेज में आपको क्लिक इस तरह से कर देना है, करने के फिर से आपको लास्ट में आइए और यहाँ बड़ा इमेज है इसमें आपको कॉलमी डीजे वाला आपको लगा लेना ठीक है। देखिए जैसे जैसे बता रहे सेम प्रोसेस आप करिएगा, जैसे कॉलमी डीजे वाला जैसे लग जाएगा फिर यहाँ पर आपको 10 इमेज में उसी जो स्वीट लाइट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से स्वीट लाइट वाला ऑप्शन हम यहाँ क्लिक करके स्वीट लाइट वाला आपको इस तरह से लगा देना, जैसे 10 इमेज में लगा दीजिएगा उसका फिर जो इमेज जो लास्ट लाइन इसमें भी आप कॉलमी डीजे का ऑप्शन इस तरह से लगा देना ठीक है। ऐसे हम कॉलमी डीजे का लगाते हैं और लगाने में तो क्या करना आपको देखिए बाकी जो जो पार्ट जो बचेगा अब इसमें वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है। वीडियो को क्या ध्यान देंगे आप देखिएगा, इसका जो एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ से हम डिलीट करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है ठीक है। उसका देखिए यहाँ तक तो हो गया है और यहाँ से वीडियो को प्ले करके पहले देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा साउंड यहाँ पर है ठीक है। यहाँ देखिए साउंड अलग हो जाएगा, इसके लिए क्या करना आपको यहाँ से इमेज पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ सेटिंग क्लिक करिए और यहाँ से एडिटिंग क्लिक करिए और यहाँ देखिए जो क्या करना आपको यहाँ पर देखिए 1.9 पर चल जाना ठीक है। यहाँ से देखिए 1.9 दिख रहा है इसके सामने चलाना है, सॉरी 0.9 पर चलना, इस पर चलाना ठीक है, 0.9 पर चलाना है और 9 पर देखिए मतलब 1 से थोड़ा 1 पॉइंट पीछे रहना है। रखो यहाँ से कट कर दीजिए, उसके यहाँ से आपको इमेज को सेलेक्ट करना होगा ठीक है। तो यहाँ से फटाफट हम इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज को आपको यहाँ से फटाफट सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके यहाँ से हम ओके कर देंगे ठीक है। ओके कर दिए और इसको देखिए यहाँ पर पहले वीडियो को प्ले कर देख लेते ठीक है। यहाँ चला है पहले वीडियो को हम प्ले करते हैं, वीडियो पहले प्ले कर और वीडियो पीछे करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप बीट अलग चेंज हो रहा है ठीक है। तो इस जगह पर क्या करना आपको इसके सामने आ जाना है और यहाँ आपको टिक लगा देना, इस तरह से टिक लगा दीजिएगा, इस तरह से टिक लगा देना है और टिक लगाने में तो क्या करना आपको यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे ठीक है। आपको इस तरह से कट कर देना है और कट करने वीडियो को पूरा इस जगह पर चलाए जहाँ तक वीडियो को बीट लगा चुके हैं उसके सामने चलाइए और यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए हाँ इस जगह बीट लगाए थे, इस तरह से बीट लग चुका है। अब यहाँ से क्या करना है इस जो वीडियो प्ले करके आप इसमें बीट लगाना ठीक है। यहाँ देखिए आप साउंड दिखा दें आपके, देखिए इस जगह पर साउंड आ रहा है, देखिए इस जगह देखिए छोटा छोटा जो यहाँ बीट है ना इसके सामने आपको मतलब बीट लगाना ठीक है। देखिए यहाँ जो बीट लग रहा है इस जगह आपको बीट लगाना है, इस जगह हम यहाँ क्लिक करते हैं
और उसके बाद सेकेंड वाला जो इस बीट है इस बीट के सामने यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बीट है इसके सामने इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर बीट है इसके सामने हम क्लिक करते हैं। इस तरह से आपको मतलब जो जहाँ जहाँ लाइनिंग दिख रहा है वहाँ आपको इस तरह से टिक लगा दें, ठीक है। इस तरह से हम टिक लगाते हैं जहाँ छोटा छोटा जो बीट दिख रहा है इसके छोटा छोटा बीट के सामने आपको लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लगा देते हैं, आपको भी इस तरह से लगा देना है। और इस तरह से इसको हम लास्ट जहाँ तक लास्ट में जो बीट लगाए थे उसके सामने तक इसको हम बीट को इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लास्ट तक यहाँ तक इस तरह से लगा देते हैं, देखिए। और इस जगह पर हम बीट भी लगा इस जगह भी लगाते हैं बीट, चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं और एक बीट यहाँ पर लगेगा। और इस जगह पर देखिए यहाँ जो लास्ट में जो बीट यहाँ पर लगाए हुए हैं इसके बाद आपको बीट नहीं लगाना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से क्या करो वीडियो को हम कट करना होगा, ठीक है। तो वीडियो को कट करना होगा तो इसको वीडियो को फर्स्ट में आइए और यहाँ देखिए इस इमेज को इस बीट के सामने ले आएंगे और सेकेंड इमेज को यहाँ से इस बीट के सामने इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, इस बीट के सामने इसको हम कट करेंगे, आपको भी यहाँ से कट कर देना है। उसका जो सेकेंड वाला इमेज इसको सेलेक्ट करके इस बीट के सामने ले आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इस बीट के सामने यहाँ से हम कट कर लेंगे, तो आपको भी यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से कट करना जहाँ जहाँ जो बीट दिख रहा है बीट के सामने इसको ले जाना है और यहाँ से इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस बीट के सामने यहाँ पर ले आते हैं इस इमेज को और यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताना था, वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा ही, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। और इस बीट के सामने यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। और इसमें कौन सा इफेक्ट लगाना आपको बता देते हैं, आपको चलाना है यहाँ से चल जाना है इसमें इस इमेज पे क्लिक करिए जो जहाँ तक जो देखिए यहाँ तक इफेक्ट लग चुका है, देखिए इसमें इफेक्ट लगा हुआ है। इसके बाद वाला जो इमेज इस पर क्लिक करिए, क्लिप ग्राफिक में जाइए और इसमें आपको चल जाना है। देखिए आपको कोई भी यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ देखिए आपको स्विच लाइट में जाना है और यहाँ से आपको कोई भी एक यहाँ से मतलब लगा लेना, ठीक है। इसमें हम इसको भी लगा सकते हैं नहीं तो इसको भी लगा सकते, ठीक है। तो हम इसको इसमें इसी तरह से इसमें लगा देते हैं। लगाना देखिए कि यहाँ से आपको देखिए जो मतलब 0.9 सेकंड जितना इसमें सेलेक्ट किया सर हम इसी इफेक्ट को लगा देना है। लगाने के बाद क्या करना आपको फिर से आपको लास्ट में जाना, ठीक है। जहाँ तक बीच यहाँ तक लगाए थे इसमें आपको देखिए लास्ट बीट है, लास्ट बीट के सामने यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। और कट करके क्या करना आपको यहाँ से सॉरी इस जो लास्ट वाला बीट इसमें भी आपको उसी स्ट्रीट लाइट वाला जो ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस स्ट्रीट लाइट वाला ऑप्शन इस पर यहाँ से चार नंबर पर सेलेक्ट करके इसको लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको बीट यहाँ से चेंज हो जाएगा, देखिए जहाँ देखिए इसके सामने आना है इसके सामने यहाँ पर टिक लगा दिएगा, इसको यहाँ से आप कट कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं, फिर से यहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे। देखिए जहाँ वो यहाँ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कट करना है, ठीक है। फिर से वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जहाँ जहाँ इसमें बड़ा बीट है उसके सामने ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ बड़ा बीट है उसके सामने जैसे यहाँ पर इसको लगा देना, ठीक है। इसको हमें बड़ा बीट को लगा के और जो बाकी जो बचा है इसमें भी आपको दो तीन इमेज के यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए और आपको यहाँ से इस तरह से लगा देना, ठीक है। इसमें इसको लगा देते हैं और लगाने के कारण आपको इसमें जो बीट लगाएगा उसमें अलग बीट होगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिप ग्राफिक में जाते हैं, इसमें आपको जो पसंद है वो बीट यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा करके लगाएंगे मतलब डीजे लाइट वाला भी लगा सकते हैं, आपको स्ट्रीट लाइट में जाइए और इसमें देखिए आपको 5 नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक कर दीजिएगा और नहीं तो आपको यहाँ 3 नंबर वाला आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके उसको क्या करना है, उसको मतलब इस जो स्ट्रीट लाइट है उसको क्या करना है थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। इससे कम कर दिए, इसके सेकंड इमेज पर क्लिक करिए, क्लिप ग्राफिक में जाइए और यहाँ से आपको देखिए स्ट्रीट लाइट में जाइए और यहाँ से 3 नंबर पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा कम कर देना, इससे कम कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से क्लिप ग्राफिक में जाइए और फिर से आपको स्ट्रीट लाइट में जाना है और इसको भी 3 नंबर पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ तक मतलब यहाँ तक आपको लगा देना है, 4-5 इमेज में आपको इस तरह से लगा देना है। लगाने में बाकी इमेज को इसी तरह से आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ सबको वीडियो पहले कर कब दिखाते हैं कि इस तरह से वीडियो बना है, यहाँ से देखिए पूरा हमें इस तरह से नहीं लगाया है तो आपको देखिए इस तरह से नहीं बन पाएगा। तो उसको हम सेकंड देखिए दूसरा का जो वीडियो हम मतलब बनाए थे उसमें देखिए वीडियो प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है, यहाँ देखिए इस तरह से वीडियो आपको बन जाएगा, ठीक है। जैसे वीडियो बन जाएगा आपको क्या वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा, वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आप इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से आपको वीडियो को कोई भी रेसिपी सेलेक्ट करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना, सेव कर दीजिए। पहले से हम सेव करिए हुए तब वीडियो को आगे चलते हैं, अगला स्टेप आपको बताते हैं। फिर से कैमरा स्टोर को ओपन करना, ओपन करके प्लस कैम पर क्लिक करिए, क्लिक करने में क्या करना इस बार जो आपको रेसियो को सेलेक्ट करना है 60.9 रेसियो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने यहाँ सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करने यहाँ से लेयर को बढ़ा देना है, इसको जितना आपको जो वीडियो बनाए थे जो बीट वाला जो वीडियो बनाए थे उतना के लिए को बढ़ा दीजिएगा। हम इसको 28 सेकंड तक का वीडियो था, हम यहाँ से 28 सेकंड तक इसको कर लेते हैं और करना क्या क्या आपको यहाँ से ओके कर देना है। वीडियो को फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करना देखिए यहाँ जो
जो हाउस वाला जो PNG में इसको आपको लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देना, डाउनलोड कर लीजिए। इसको साइज को सबसे बढ़ा देना है, बढ़ा के हम इसको इस पोजीशन पर रखेंगे। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। इसको हम लास्ट तक करते हैं, लास्ट तक करने के बाद वीडियो को पूरा फर्स्ट में आ जाइए। फर्स्ट में यहाँ से लेयर पर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए, और मीडिया पर क्लिक करना है क्या करना आपको, देखिए जो फोटो फ्रेम वाला जो PNG में इसको आपको लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, डाउनलोड कर लीजिए। इसको साइज को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना, ठीक है। इसको बढ़ा कर हम इसको इस पोजीशन पर रखेंगे, आपको यहाँ पर इस तरह से जगह पर रख देना है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए साइज को। चलिए इतना सही है, इसको हम इस पोजीशन पर यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। लगाने में क्या करना आपको, लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है, और लास्ट तक करने में क्या करना आपको, फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। अभी जो वीडियो आप एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को आपको लेना है, ठीक है। इस वीडियो को लेने के बाद क्या करना आपको, इसको इस पोजीशन पर लगा देना है। लगाने में क्या करना आपको, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है। इस तरह से बैक कर दीजिए, जैसे तक आपको कितना भेजने तक वीडियो इस जगह पर बन जाएगा। इस तरह से बनने के वीडियो पूरा फर्स्ट में आइए, फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करना, देखिए चुंदरी वाला जो PNG में जिसको आपको ले लेना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डाउनलोड कर लिया। इसको क्या करना आपको, यहाँ देखिए मोबाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम रोटेट कर देंगे, आपको भी रोटेट कर देना है। और रोटेट करके क्या करें, इसको हम इस तरह से साइज को इस तरह से मिला के इसको साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, छोटा करके हम इसको इस पोजीशन पर इस तरह से लगा देंगे। लगाने के क्या आपको यहाँ से कैंची सॉरी चाबी का इस पर क्लिक करना है, इसको 5 सेकंड तक स्क्रॉप कर लेना है। स्क्रॉप करना है, प्लस के क्लिक करिए, इस इमेज को फर्स्ट में आइए, इसको घींच कर हम इस तरफ अंदर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करना क्या करना आपको, फिर से आपको 5 सेकंड पर जाइए, फिर से आपको लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, और सेकंड वाला जो देखिए जो चुंदरी इसको आपको लेना है, इसका भी लिंक डाल दूँगा, डाउनलोड कर लीजिए। इसको क्या करना, इसको साइज को इसी पोजिशन पर इसी तरह से रहने देना है, और इसको हम इस तरह से इस जगह पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर इस तरह से लगा देना है, और उसका चाबी का क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है, स्क्रॉप करके इसको इमेज को घींच कर हम इस तरफ अंदर के और ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा। करने में क्या करें, वीडियो को पूरा फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करेंगे आपको ट्रे वाला जो PNG में इसको लेना, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डाउनलोड करिएगा। इसको लेयर को क्या करना आपको, 5 सेकंड तक बढ़ाना है, ठीक है। 5 सेकंड तक बढ़ा दीजिएगा, बढ़ाने के साइज को इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करके हम इसको इस पोजिशन इस तरह से लगाएंगे, और इसको यहाँ से चाबी का आइकन पर क्लिक करिए। क्लिक करके क्या करना आपको, उसको इसको इस तरफ ले जाना, अंदर की ओर ले जाइए, और उसका इस इमेज को फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में इसको घींच कर हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह से कर देना है। करना क्या करना आपको, थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट कर इसको स्क्रॉप करके सब घींच लेना, ठीक है। फिर इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, फिर इसको हम इसको घींच कर हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। आपको भी इस तरफ कर लेना है, और फिर से इसको थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट करके फिर से इसको हम घींच कर इस तरफ कर लेंगे। इस तरह से आपको मतलब पूरा वीडियो को लास्ट तक करना है, ठीक है। तो इसको हम पूरा लास्ट तक कर लेते हैं, इस तरह से आपको लास्ट तक कर लेना है। लास्ट तक करने के वीडियो को पूरा फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करेंगे आपको देखिए जो ब्लैक बैकग्राउंड देखिए जो पत्ता वाला जो वीडियो है आपको इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीन को पूरा फुल कर देना है, फुल करना है, इस वीडियो पर क्लिक करिए, और यहाँ से क्रोमा की ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके स्विच को ऑन कर दिए, ऑन करने में यहाँ देखिए की कलर का ऑप्शन दिखाई, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से ब्लैक को सेलेक्ट करना, ठीक है। ब्लैक यहाँ सेलेक्ट करना है, क्या करना है आपको, ऊपर जो इसको रेशियो को इस तरह से 40% कर देना है, सॉरी ऊपर वाला 50%, नीचे वाला भी 50% आपको करके यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। 50% दोनों कर देना है, और यहाँ से वीडियो को प्ले करके आप देखते हैं कैसे से वीडियो बना, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए। डिस्प्ले पर जो वीडियो और शो कर रहा हूँ किसी वीडियो में क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इतना ही, मिलता है वीडियो और इसके साथ।